हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड यू आर वाचिंग डीटीवी इंडियाज ओनली 360 डिग्री टेक न्यूज प्लेटफॉर्म। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस की, एक ऐसे फॉर्म फैक्टर वाले डिवाइस की जिसके स्क्रीन साइज की वजह से इसकी मार्केट में डिमांड है। हम जनरली फोन यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है तो उसको कैरी करने में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, या फिर अगर जब आपका भी एंटरटेनमेंट का मन करता है तो शायद ये जो फोन का स्क्रीन साइज है वो आपके लिए छोटा पड़ जाए, या अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो ये छोटा पड़ जाए आपके लिए स्क्रीन, और अगर आप लैपटॉप को देखो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इन सब का सलूशन है हमारे पास, क्योंकि लेनोवो का ये नया टैबलेट M9 टैबलेट लॉन्च हो चुका है मार्केट में, जो कि एक बजट टैबलेट लॉन्च हुआ है। ये प्रोडक्ट डीटीवी में आ गया है रिव्यू के लिए, तो इस पूरे वीडियो में इसी नए टैबलेट के बारे में इसका कंप्लीट रिव्यू करके आपसे अपना फीडबैक शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब डीटीवी, बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया। अब चलिए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। सो अब कर लेते हैं इस टैब की अनबॉक्सिंग। ये रहा M9 टैब का बॉक्स, और कर लेते हैं इसको ओपन। एंड सबसे ऊपर हमें मिल जाता है ये टैब, उसके नीचे है इसका कवर केस, देन स्क्रीन गार्ड और क्लीनिंग क्लोथ मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है इसमें, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। लास्ट में आपको 10 वॉट का चार्जर मिल जाता है और यूएसबी टाइप सी केबल भी मिल जाता है आपको। सो दोस्तों, अनबॉक्सिंग हो चुकी है कंप्लीट। अनबॉक्सिंग में आपने देखा कि इस बॉक्स में एक जो सरप्राइज है वो आपको इसमें एक सिलिकन केस मिल जाता है, वो भी स्टैंड के साथ, जो कि बहुत जरूरी एक्सेसरीज है, अगर नहीं आता इस बॉक्स में आपको परचेस करना पड़ता। खैर, अब सबसे पहले बात करते हैं, अनबॉक्स हो ही चुका है तो इस टैबलेट के डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये एक नया फॉर्म फैक्टर है, यानी टैबलेट फिर से डिमांड में है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है इसके डिजाइन और इसकी साइज की वजह से। अगर आप इसको कहीं कैरी करते हैं आपको इजी होता है, और इसकी डिजाइनिंग भी ऐसी की गई है कि इसको कैरी करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अगर इसकी वेट की बात करें तो वेट बहुत ही हल्का है, यानी वन ऑफ द लाइटेस्ट टैबलेट हो सकता है ये, क्योंकि इसका वेट है 344 ग्राम्स, आधे किलो से भी कम का इसका वेट है। इसकी अगर बॉडी की बात करें तो ये मेटल बॉडी है जो आपको मिल जाता है, यानी बैक कवर जो है इसका मेटल का है। अगर आप देखोगे इसमें जो टेक्सचर है जो शायद आपको नजर आ रहा होगा, वो ऑब्वियसली एक टेक्सचर नहीं है, यानी आपके हाथ में वो टच नहीं होने वाला, बट इसकी डिजाइनिंग ऐसी है बैक पैनल में जिसमें हाफ में एक ऐसा डिजाइन किया गया है और ऊपर के पोर्शन को प्लेन रखा गया है जहां पे एक कैमरा भी है। इसके साथ लेनोवो ने अपनी लोगो की ब्रांडिंग करी है। वेट के साथ साथ इसकी जो थिकनेस है वो भी काफी कम है, यानी कहीं ना कहीं एक फोन के थिकनेस के बराबर इसकी थिकनेस है। जनरली पहले जो टैबलेट्स आते थे उसकी थिकनेस भी ज्यादा होती थी, उसके वेट भी ज्यादा होते थे, लेकिन लेनोवो के इस M9 टैबलेट में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, यानी आपको लाइट वेट मिलेगा और इसके साथ साथ आपकी जो इसकी थिकनेस है वो भी बहुत कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की वजह से ही आप इसको परचेस कर रहे हो, यानी जो इसका स्क्रीन साइज है 9 इंच का HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है। 400 nits की इसमें आपको ब्राइटनेस सपोर्ट मिल जाती है, वहीं आपको इसमें 13x40x800 का स्क्रीन रिजोल्यूशन साइज मिल जाता है आपको। एक चीज जो इसके डिस्प्ले में इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आप अपने बच्चे को इस टैबलेट को देते हो या तो पढ़ाई के लिए या गेम खेलने के लिए, तो इस टैबलेट का जो डिस्प्ले है वो TUV i सर्टिफिकेशन डिस्प्ले के साथ आता है। कहीं ना कहीं आपके आईज को सेव करता है क्योंकि ये TUV i केयर सर्टिफिकेशन वाला डिस्प्ले है, सो आपके बच्चे या आप सेफ हैं अगर इसको लॉन्ग आवर्स में भी यूज कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। दोस्तों, राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है, वहीं आपको साथ में इसके वॉल्यूम रॉकर्स भी मिल जाते हैं। टॉप साइड में स्पीकर है, लेफ्ट साइड में देखो तो आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। बॉटम साइड में ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर मिल जाता है। वहीं आपको इसमें ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी और पोर्ट्स का खासा ध्यान रखा गया है क्योंकि ये एक बजट लेवल का टैबलेट है, और इसमें ये सारी चीजें देके कहीं ना कहीं आपके वर्किंग एफिशिएंसी को और भी बूस्ट करेगा ये टैबलेट। तो आइए आपको बताता हूं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। इसमें दोस्तों आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिल जाता है, वहीं आपको ARM वाली G52MC2 GPU भी मिलता है, 4GB का LPDDR4 RAM मिल जाता है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, तो आप इसके इस स्लॉट को यूज करके 128GB तक अपने स्टोरेज को और बढ़ा सकते हैं।
साथ में आपको डॉल्बी एटमॉस का ड्यूअल स्पीकर सपोर्ट मिलता है जो कि एक अच्छे साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। साथ में आपको 5100 mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और साथ में इसके जो रियर साइड है उसका जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। ओवरऑल जो आपको ये टैबलेट मिल जाता है वो काफी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग की। इसकी प्राइसिंग जो अभी है वो है 12,999 रुपए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक जरूर करें कि इसकी करंट प्राइसिंग क्या है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया हमारे वीडियो का आखिरी सेगमेंट, वो है डीटीवी वर्डिक्ट का। यानी इस सेक्शन में मैं आपको बताता हूं कि हमारी टीम ने जो एक्सपीरियंस किया इस प्रोडक्ट को जब यूज किया वो क्या था। सबसे पहला जो फीडबैक है हमारी टीम का वो ये है कि ये इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, इसका मेटल बॉडी बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट होने की वजह से इसको कैरी करना, इसको यूज करना लॉन्ग आर में भी कोई हेक्टिक नहीं है। और साथ में इसके साथ जो केस आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक्सेसरीज ऐड करके मिल रहा है जिसमें आप इसको आराम से कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं उस कवर की वजह से। वहीं अगर बैटरी की बात करूं, बैटरी बैकअप 5100 mAh मिल रहा है। इसकी वजह से आपको जो बैटरी कंजम्पशन है वो काफी कंट्रोल में रहेगा, यानी आपको बार बार इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप आराम से थ्रू आउट द डे इसको यूज कर सकते हैं। टैबलेट का इस्तेमाल हम मल्टीपर्पज चीजों के लिए कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसका जो यूजेस होता है जब आपके पास खाली समय होता है या आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या बच्चों के इंटरटेनमेंट के पर्पज से, और इनफैक्ट बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ये यूज होता है। अगर आप इंटरटेनमेंट या गेमिंग पर्पज से इसको देख रहे हैं तो गेमिंग भी इस पे आप एक एवरेज गेम जो जितना हेवी नहीं होता है वो गेम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और आराम से खेल सकते हैं। और गेमिंग खेलते वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई हीटिंग इशू हमें देखने को नहीं मिला हमारे यूजर्स के दौरान। सो ओवरऑल ये एक ऐसा टैबलेट है जिसमें आप गेम भी एंजॉय कर सकते हो, इसमें यूट्यूब भी देख सकते हो, एंटरटेन हो सकते हो। जो एक चीज जो इसमें मिसिंग है वो है नो कॉलिंग फीचर। अगर आप इस टैबलेट को परचेस कर रहे हैं तो ये जरूर जान लें कि इसमें कॉलिंग सपोर्ट नहीं है, बट उसके अलावा इसमें वो सारी चीजें हैं जो एज ए टैबलेट आपको बहुत ही एंटरटेन और आपके यूज आने वाला है। दोस्तों मुझे उम्मीद है लेनोवो का ये टैबलेट M9 आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा या इस टैबलेट से रिलेटेड कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं या आप इसको परचेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, हमें जरूर पूछे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस वीडियो के बारे में, इस टैबलेट के बारे में हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मे बी ही इज प्लानिंग टू बाय एनी टैबलेट एंड दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर देम। आप टेक वर्ल्ड से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.digitalterminal.in को जरूर लॉगिन करें। साथ में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम हर एक टेक न्यूज अपनी वेबसाइट और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुरंत अपडेट करते हैं और आप अवेयर रह सकते हैं टेक वर्ल्ड में कोई भी ऐसी न्यूज पब्लिश होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।